हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल खाना बाय फातिमा। आज मैं आपसे मशरूम चिली बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है ये, बस 5 मिनट में रेडी हो जाती है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगी। तेल के हल्का गर्म होने के बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे एंड 2 फ्रेश लाल मिर्ची को मैंने कट करके रखा था उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे हम थोड़ी देर के लिए, जब तक लहसुन पर हल्का गोल्डन कलर नहीं आता, इसको चला लेंगे। फिर हम इसमें 1 छोटी कटोरी प्याज ऐड करेंगे। इसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। इसको भी हम अच्छे से चलाते जाएंगे। प्याज को तकरीबन 1 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं इसमें 1/2 छोटी कटोरी चॉप्ड कैप्सिकम ऐड करती हूँ। इसको भी मैंने वैसे ही बिल्कुल स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। इसे भी हम अच्छे से चलाते जाएंगे। वेजिटेबल्स को हमको हल्का सा क्रंची ही रहने देना है, इसलिए उसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें 200 ग्राम्स ऑफ मशरूम ऐड करेंगे। मशरूम को मैंने अच्छे से धोकर कट कर लिया था। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और आराम से चलाते जाएंगे। इन सारे वेजिटेबल्स को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारे वेजीज जो है वो पककर रेडी हो गए हैं। अब बारी है इसमें हमारे मसाले ऐड करने की। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अराउंड 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस हमने इसमें ऐड करना है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस ऐड करना है और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, चला लेना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं, बिल्कुल थोड़े से इसमें ऐड होंगे। जो भी हमारे सॉसेजेस हैं बस उसको अच्छे से मिक्स होने के लिए 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको पकाना है, क्योंकि जो हमारी सब्ज़ी है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें एक फाइनल स्टेज कॉर्नफ्लावर का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लिया था, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे हमारे स्टार्टर को एक बहुत अच्छे सी कंसिस्टेंसी मिलेगी। बस इसे डालकर कुछ देर के लिए चला लेना है। फाइनली मैं इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ फ्रेशनेस के लिए। बस इसे डालकर
हल्का सा हिलाएंगे और हम गैस को बंद कर देंगे। इसको बिल्कुल गरम गरम सर्व करना है। बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। आप इसे जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पर सेसमी सीड्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच हमारी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए।